सोशल मीडिया पर इस बात की सुगबुगाहट है कि धूम 4 पर काम चल रहा है और सिद्धार्थ आनंद के फर्जी ट्विटर हैंडल से सुपरस्टार शाहरुख खान को आगामी पार्ट के लिए साइन किए जाने का दावा करने वाली ट्वीट ने इस अफवाह को हवा दी और कई अटकलों को जोड़ा। उसमें लिखा था कि समीर खान के रूप में आमिर खान को इसके नए विलन के रूप में शामिल करने के साथ धूम सीरीज के थर्ड पार्ट में धूम और धूम 2 की मान रखी, क्योंकि धूम फ्रेंचाइजी के थर्ड पार्ट को रिलीज हुए एक दशक हो गया है। फैंस बेसब्री से ये अनुमान लगा बैठे हैं कि चौथे पार्ट में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा। ट्विटर पर लोगों ने हाल ही में एक कॉन्वर्सेशन में बातचीत की और कहा कि धूम 4 में मुख्य भूमिका किसे निभानी चाहिए। फेमस राय के आधार पर मूवी की मुख्य भूमिका के लिए 5 एक्टर्स के नाम हैं। पहले है शाहरुख खान, ये एक पसंदीदा स्टार है और इन्हें देखना आसान है क्योंकि पठान और डॉन जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों और डंकी और जवान जैसी आने वाली फिल्मों के साथ खान ने खुद को एक्शन से भरपूर भूमिकाओं में सिद्ध किया है। जबकि एक फैन ने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि एसआरके को खलनायक की भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय से खलनायक की भूमिका नहीं निभाई है। अगर उनसे संपर्क किया जाता है तो मैं उन्हें विलन के रूप में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। दूसरे है ऋतिक रोशन। धूम धूम में आर्यन, जिसे मिस्टर ए के नाम से भी जाना जाता है, एक पेशेवर चोर के रूप में ऋतिक रोशन द्वारा निभाया गया किरदार भी कम विश्वसनीय नहीं था। उनकी एक्टिंग स्किल ने उनके चरित्र को जीवंत कर दिया और उन्हें दर्शकों और आलोचकों दोनों के बीच प्रशंसक बना दिया। थर्ड है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम ने धूम में एक अभी के रूप में अपनी जगह पहले ही बना चुकी है। पठान में उनके अद्भुत सहयोग के बाद जॉन और ऋतिक को दो दृढ़ और अच्छे दिखने वाले कैरेक्टर्स रूप में एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड है। वही कुछ फैंस ने जॉन को शाहरुख के साथ फिर से देखने के लिए प्रेरित किया। सलमान खान फैंस सलमान खान को अपने एक्शन से भरपूर कौशल दिखाने के लिए उत्सुक है और उनके अनुसार ये उनके लिए धूम 4 के माध्यम से बड़े पर्दे पर एक अलग पहचान और नया प्रभाव डालने का समय है। एक फैन ने ये भी टिप्पणी की कि सलमान भाई बॉक्स ऑफिस तूफान में बदल जाएगा, जिसका अर्थ है कि अगर सलमान को इस भूमिका के लिए चुना जाता है तो बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिलेगी। 5वें नंबर पर आते हैं रणबीर कपूर। कुछ प्रशंसकों ने सुझाव दिया कि रणबीर कपूर उन्हें एक विरोधी भूमिका में देखने के लिए एक उत्कृष्ट है और ताजा पसंद हो सकते हैं। साथ ही मूवी के नायक अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा हमेशा के लिए एक जैसे ही बने हुए हैं। हालांकि हर मूवी के लिए खलनायक की कास्टिंग में चेंज होता रहता है। जैसा कि फ्रेंचाइज का 4th पार्ट कथित तौर पर काम कर रही है, ये देखना अब दिलचस्प होगा कि भाग के लिए किसे चुना जाता है। आपको क्या लगता है कौन होगा मेकर्स की पहली पसंद, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बाय बाय।